ये अजीब पेचीदा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी अमेठी नहीं लड़े, राहुल गांधी रायबरेली चले गए, राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को लड़ने नहीं दिया या प्रियंका गांधी खुद ही नहीं लड़ी, लेकिन आप रायबरेली पर केएल शर्मा को ला कर खड़ा कर देते हैं। फिर आपको ये भी लगता है कि हमने एक बाजी जीत ली है, जो मोमेंटम अपोजिशन ने बना रखा था राहुल गांधी को लगता है या कांग्रेस को, वो मोमेंटम और ताकत पा गया है। इस फैसले को यशवंत देशमुख कैसे देखते हैं जो कांग्रेस का है? देखिए, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगता है, क्योंकि ये अगर तो तात्कालिक फैसले के रूप में देखें कि इस फैसले में अमेठी में राहुल गांधी फंस जाते, बाकी कैंपेन कैसे करते, बाकी चीजों का, तो एक वो हो सकता है कि तात्कालिकता के उसमें ये लगे कि हाँ ये फैसला हो सकता है उचित। लेकिन अगर आप बड़े परिदृश्य में इस फैसले को देखेंगे तो बहुत सारे सवाल इस फैसले से निकल के आते हैं। मसलन वायनाड और रायबरेली, अगर दोनों ही जगहों से राहुल गांधी जीत जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि एक सीट को खाली करनी पड़ेगी। अब वो एक सीट कौन सी होगी? अब वायनाड की आप बात देखें तो वायनाड में 2 साल के अंदर कांग्रेस को एक विधानसभा चुनाव जो अच्छा खासा वो जीतने की स्थिति में है आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 10 साल की इनकम्बेंसी लेफ्ट के अगेंस्ट में हो जाएगी, उस जगह को खाली करते हैं तो क्या केरल की जनता के लिए वो एक अच्छा संदेश होगा? एक सवाल ये। अगर वो रायबरेली खाली करते हैं तो रायबरेली खाली करने के बाद में जो बायपोल होगा, क्या आपको लगता है कि रायबरेली का बायपोल उनके कांग्रेस के किसी कैंडिडेट के लिए, उनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के लिए जीतना इतना आसान होगा अगर वो जीत करके खाली करते हैं बायपोल को? क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि बायपोल जो होता है वो हमेशा जो भी सत्ता में है उसके लिए ज्यादा फायदे का सौदा होता है। और फिलहाल अगर ये माने कि इंडिया अलायंस जीतेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में सत्ता में सरकार केंद्र में बनेगी और फिर बायपोल होता है रायबरेली का, तो उसके मायने अलग होंगे। लेकिन अगर भाजपा जीतती है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उस स्थिति में बायपोल के अलग मायने होंगे। तो यशवंत भाई, एक बड़े आप के कहे से दो बड़े अच्छे सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि अमेठी छोड़ करके राहुल गांधी रायबरेली गए, आप कहते हैं कि अगर राहुल गांधी रायबरेली से हार जाते हैं, आप उपचुनाव के लिहाज से कह रहे थे, अगर राहुल गांधी हार जाते हैं रायबरेली से भी, क्योंकि अमेठी पहले ही हार चुके हैं, तो फिर राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर प्रोफाइल है कांग्रेस के साथ साथ वो क्या होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर रायबरेली वायनाड दोनों जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन होगा, तो उस बाई इलेक्शन के में विकल्प के तौर पर प्रियंका गांधी को कांग्रेस सामने लाएगी, क्या उनको वेटिंग में रखा है कांग्रेस ने, या फिर कोई दूसरी स्ट्रैटेजी है, या फिर कंफ्यूजन है? जितना मुझे समझ में आया अपने सूत्रों से, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी उम्मीद है कि वो दोनों सीटें जीतेंगे, रायबरेली रखेंगे, वायनाड प्रियंका जी के लिए खाली करेंगे। अगर ये स्ट्रेटेजी जो कुछ और गंभीर लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ऐसी संभावना है, तो फिर भी ठीक लगता है। लेकिन एक मेरे पास में बड़ा सवाल, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज अमेठी से लुका छिपी करने की, एकदम इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे नाम देने की इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अमेठी हारने के बाद में 5 साल में राहुल गांधी जी कितनी बार अमेठी गए, अमेठी उन्होंने डाइवर्स कर दी। अगर वो हर 3 महीने दूसरे महीने अमेठी जाते रहते, पिछले 5 साल में 15-20 चक्कर उनके अमेठी में लगते, जिसमें लगता उन्हें कि अमेठी में वो इन्वेस्टेड है या प्रियंका जी इन्वेस्टेड है, ये परिवार या कांग्रेस अमेठी को उतनी ही गंभीरता से रखता 5 साल में, तो विषय अलग होता। आज एक तरह से लग रहा है अमेठी को उन्होंने डाइवर्स कर दिया। वो मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक ठीक है, मतलब हर किसी को पूरी आजादी है अपने स्ट्रोक को उस तरीके से देखने की, लेकिन सवाल यह है कि आप अमेठी में जो कैंडिडेट दिया गया है उसकी तुलना अगर भाजपा के रायबरेली के कैंडिडेट से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो राजनीतिक समझदारी का काम नहीं होगा। शर्मा जी अमेठी में कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे, वाया मीडिया रहे गांधी परिवार और उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में, उनका पूरा सम्मान करते हुए भी मैं कहना चाहूंगा, शर्मा जी नेता व्यापक जनाधार वाले नेता नहीं है अमेठी में, उस तरीके के जिस तरीके के जनाधार वाले नेता दिनेश सिंह रायबरेली में, वो कांग्रेस के टिकट पे से, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल राजनीति वहां पे रही है रायबरेली सदर में तगड़ी, और
जब पिछली बार 2019 में भाजपा ने उनको कैंडिडेट बनाया था तो सोनिया जी के मार्जिन को उन्होंने 50% घटा दिया था, और सोनिया जी रैली जीती जरूर थी लेकिन ये उस तरीके की जीत नहीं थी जिस तरीके की जीत की गांधी परिवार को आदत रही है। राहुल जी तो अमेठी हारी गए, वो एक अलग विषय है। तो अगर आप कुछ ये सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग जैसी यशवंत देशमुख रख रहे हैं जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया, बिल्कुल रायबरेली में बीजेपी ने जिनको उतारा है दिनेश प्रताप सिंह, वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, 2018 में वो कांग्रेस से बीजेपी में आए और बीजेपी ने 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ उनको उतारा था रायबरेली से, और यशवंत देशमुख कह रहे हैं कि रायबरेली में उनके उतरने से जो सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन है वो कम हो गया, इसलिए रायबरेली में एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी ने अपना डाल रखा है, अमेठी में स्मृति ईरानी है। तो कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो आसान नहीं है राहुल गांधी के लिए रायबरेली में भी। दो बयान मैं सुनाना चाहता हूं स्मृति ईरानी और अमित शाह के, ताकि इसके आगे जो मूट पॉइंट है जब बहस जिस रास्ते हम लेके जा सकते हैं उसकी खातिर पहले अमित शाह और फिर स्मृति ईरानी। राहुल बाबा, इस सोनिया जी ने, मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया, ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई है। और आज 21वीं बार फिर से अमेठी से भागकर रायबरेली में पर्चा डाला। अरे राहुल बाबा, मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। क्या अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है? क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। यशवंत देशमुख, जमीन समझते हैं आप, लोगों की नब्ज समझते हैं आप, माहौल समझते हैं आप, और इसके आधार पर जो जनमत तैयार होता है उसकी भी समझ आपको, आपकी बारीक है। अभी स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उनको जीत की तनिक भी उम्मीद होती तो वो अमेठी से लड़ते, लेकिन उनको जीत की उम्मीद नहीं थी तो वो रायबरेली चले गए। बीजेपी एक नैरेटिव तैयार कर रही है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ने के बावजूद डरे हुए हैं और भागे हुए हैं, भगोड़े हैं, और यह नैरेटिव अगर बीजेपी तैयार करती है तो कांग्रेस के लिए एक नुकसान का सौदा है। निश्चित तौर पर कठिनाई होगी इस नैरेटिव में, क्योंकि बहुत एक साधारण सी बात समझिए कि ये नैरेटिव भी ये इधर जाए या उधर जाए, जिस तरीके से भी आप नैरेटिव को देखें, इस नैरेटिव की नौबत क्यों है? नौबत इसलिए आई है क्योंकि आपने अमेठी को अनाथ छोड़ दिया। आप अमेठी से हारे थे, आप अगर अमेठी में वापस इन्वेस्ट करते, आप बोलते कि नहीं हम अमेठी को कभी नहीं छोड़ रहे हैं, हम अमेठी के साथ में खड़े हैं, आप अगर इस तरीके की बात करके अमेठी में इन्वेस्टेड रहते तो अमेठी को कभी छोड़ने की नौबत नहीं आती। जीतना हारना अपनी जगह लगा रहता है, लेकिन देखिए एक बात समझिए कि बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्वेस्टेड कितना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपसे लगाव कितना है। अगर आप उस लगाव को, उस इन्वेस्टमेंट को, जिसे अपना व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट में मानता हूं, इन्वेस्टमेंट से अर्थ आर्थिक इन्वेस्टमेंट की नहीं है, इन्वेस्टमेंट से अर्थ अपने 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 रुकने की, अपने खुद को वहां पे लगाने की है। अगर आपने वो नहीं किया है तो कहीं ना कहीं संशय होगा, और अब अगर वो आप इन्वेस्टमेंट या उस पूरी अपनी अमेठी की जनता को अगर आप अपने कार्यकर्ता के भरोसे लगाना चाहते हैं, कार्यकर्ता अच्छा है, जमीन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन वो अंत में ले दे करके आपका नुमाइंदा ही है, जैसे कैप्टन सतीश शर्मा की नुमाइंदगी थी, और कैप्टन सतीश शर्मा की नुमाइंदगी को आगे करते हुए 98 के लोकसभा में संजय सिंह जी ने बीजेपी के टिकट पे कैप्टन सतीश शर्मा को हरा दिया। तो एक बात आप समझिए कि आपको खुद लगना पड़ता है, नुमाइंदगी को आगे करने से, नुमाइंदगी को आगे करने से वो बात नहीं आती। दूसरी बात, कैप्टन ये करना तो कैप्टन सतीश शर्मा ना ये शर्मा जी, दोनों ही लोग ये वहां के जनाधार वाले नेता नहीं है, जबकि रायबरेली में दिनेश सिंह वहां की लोकल राजनीति में रसूख रखने वाले पुराने
कांग्रेसी नेता रहे हैं व्यक्तिगत वसूख के ऊपर, वो सीट वहां पे असेंबली सीट जीतते रहे हैं, उनकी बेटी अभी बात जो है वो वहां पर एमएलए, तो ये आसान जी। एक और बात आपको बताना चाहूंगा आलोक मेहता जी, यशवंत दो बातें कर, मुझे लगता है कि एक तो जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने रायबरेली में उतारा, दरअसल उसने खाना पूर्ति की है, चुनाव जीतने और लड़ने के जज्बे के साथ उन्होंने केएल शर्मा को वह नहीं उतारा, और राहुल गांधी ने अमेठी ना चुन करके अपने लिए जो रास्ता अख्तियार किया है वो रास्ता भी कमज़ोर है, वो फैज का शेर होता है एक लड़ने के लिए, जो सिप सलार होते उनके लिए कि ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो यार करो, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, लेकिन जज्बा तो हो, लड़े तो। राहुल गांधी के रायबरेली से लड़ने और प्रियंका गांधी को मैदान में नहीं उतारने, इन दोनों बातों को आलोक मेहता कैसे देखते हैं? देखिए राणा जी, मैंने पहले भी कहा कि इमरजेंसी होते हुए भी संजय गांधी ने श्रमदान शिविर में जाके खुद भी फावड़ा पकड़ा और दो हफ्ते चार हफ्ते तक पूरे अपने 250 लोग लगा रखे थे, जैसा भी यशवंत कह रहे थे मैं उनकी बात से सहमति से बात बता रहा हूँ, अपने इलाके को ये सोच करके कि कभी अमेठी से हमें चुनाव के लिए आगे करना, इंदिरा गांधी तब जिंदा थी और इसलिए, और सतीश शर्मा जी से इसलिए तुलना नहीं कर सकते कि वो राजीव गांधी के बहुत घनिष्ठ दोस्त थे और पायलट वो भी रहे हैं, इसलिए उनके अनुभव, और किशोरी, मैंने कहा किशोरी जी बहुत लायल है, बहुत परिवार के हैं 81 से, मैं भी जानता हूं, लेकिन ये कहना कि वो, चूंकि वो लोगों को, जैसे आपने किसी अपने अकाउंट्स वाले को कहा भाई ये जाकर के यहाँ पहुंचा देना, या यहाँ पर जावे किसी को किचन का इंतजाम तुम्हें देखना है, शादी ब्याह में भी आप करते हैं परिवार के जो लोग हैं, लेकिन ये शादी ब्याह नहीं है, लेकिन राहुल गांधी अपनी बहन के गले में हाथ डालकर ऐसे गए थे जैसे राजकुमार किसी दुल्हा कहीं जाता है ना, बहन है भाई है, डांस करते हुए, डांस भी नहीं किया उन्होंने, और न ही सामने जो पूजा होनी थी जहां से इंदिरा गांधी करती रही थी, उन्होंने उस सड़क से निकल करके चले गए, इतना बिजी है, क्रिकेट के मैदान में खेलने गए थे टी शर्ट पहन के, इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि उन्होंने नॉन सीरियसली किया। किशोरी जी सामने निचली परिवार का कोई आदमी यदि अपना कोई काम करने वाला 50 साल से है तो वो आपके लिए जहां कहेंगे खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये जो अनदेखी की गई, और नहीं हमें रायबरेली पर ऐसा नहीं है, सोनिया जी के स्वास्थ्य को लेकर के मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता रहा हूँ पहले, अब हाल में तो नहीं भी मिला, लेकिन उनकी दृष्टि से तो पहले से 3 साल से सोचा जाना चाहिए था कि यदि यहाँ पर सोनिया जी नहीं आगे चुनाव लड़ना चाहेंगी, और हम और आप भी जानते थे कि इस बार शायद वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, मेरा भी मानना था, तो राज्यसभा में जाने से भी पहले से कभी राहुल गांधी 10 चक्कर लगाते, लोगों के दुख दर्द पूछते, जैसे वो न्याय यात्रा करते हैं तो वो तो एक ट्रिप है, रात को जाके बड़े 2 करोड़ की गाड़ी में बैठ जाइए आप, तो उससे क्या होना है, लेकिन इसलिए वो जमीन से नहीं जुड़ना, और यहाँ पर जो जमीन के लोग हैं राहुल गांधी के बाद ही तो पार्टी छोड़ के गए हैं बीजेपी में, आज गौरव वल्लभ या जितिन प्रसाद और दुनिया उससे जाने से पहले वो लोग गए हैं, इसलिए कि मुरली देवड़ा के बेटे मिलिंद देवड़ा गए, इनके ऊपर कोई ईडी थोड़ी चल रहा था। आलोक जी के 2-3 सवाल हैं तुम तक, एक सवाल जो है वो गंभीर है और मैं यशवंत और अरविंद जी दोनों से चाहता हूं उस पर, राहुल गांधी तमाम नेक और गंभीर कोशिशों के बाद भी आखिरकार में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उसको हल्का कर देता है, चाहे संसद में प्रधानमंत्री को जाके झप्पी डाल देना, या फिर अच्छा भाषण देने के बाद आंख मार देना, या फिर जैसे अब आलोक जी कह रहे हैं कि आप वहां गए तो आपने पर्चा भरते समय भी टी शर्ट वो पहन करके आपने अंदाज जो दिखाया उसमें वो गंभीरता नहीं थी, इसलिए बात लोगों के बीच में वो पैदा हो नहीं पाती, वो इमेज आप गढ़ नहीं पाते हैं जिस इमेज की उम्मीद आपकी पार्टी आपके जो हमदर्द हैं वो आपसे रखते हैं। यशवंत देखिए, राहुल जी गंभीर है कि नहीं है, राहुल जी बहुत अच्छे व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन नेता के तौर पे उनको अपने राजनीति में उनको कितना ज्यादा पैशन है ये मैं नहीं कह सकता, और ये बारंबार इस बात को बहुत सारे लोग कह चुके हैं कि उनके पूरे काम करने के तरीके से ऐसा लगता है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर, इसको बदलने के लिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली दक्षिण से लेकर उत्तर तक में, उसमें जब भारत जोड़ो यात्रा का उनको आचातीत लाभ भी मिला, कर्नाटक में उनकी सरकार बनी, अब तेलंगाना में उनकी सरकार बनी, भले ही उनकी भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई हो हिमाचल प्रदेश में, सरकार तो उनकी बनी, ठीक है ना, अब लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा 2 जब निकाली तब उसका उतना बड़ा इंपैक्ट क्यों नहीं, उसका कारण यह है कि 24/7 की जो पॉलिटिक्स होती है
24/7 की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से अलायंस पार्टनर्स को जिस अपने साथ में ले करके एक सीमलेस अलायंस बना करके साथ में चलने की बात होती है, कहीं ना कहीं उनके पास में उस तरीके की राजनीतिक समझ रखने वाले, दिशा निर्देश देने वाले बड़ों का या उनके आसपास के सलाहकारों का अभाव। मेरा मानना यह है कि अभी इस समय कांग्रेस के पास में राहुल जी के आसपास जितने भी सलाहकार मंडली है, वो सलाहकार मंडली जमीनी राजनीति से कुछ अलग। उस सलाहकार मंडली में अधिकांश लोग ऐसे हैं, किसी के भी प्रति दुराव व्यक्त नहीं कर रहा हूं, किसी का भी अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोग भी इस बात को कह चुके हैं कि इस समय राहुल जी के आसपास की जो सलाहकार मंडली है वो ऐसा लगता है कि छात्र संघ की राजनीति से, वो भी लेफ्ट की आईसा और एसएफआई वाली राजनीति से उठ के जो लोग आए हैं, ये वो अरविंद जी उस तरीके की राजनीति वाले हैं जिनको जमीनी राजनीति की बहुत ज्यादा समझ नहीं है। ऐसा बहुत सारे कांग्रेस के ही समर्थक या सूत्र बहुत अक्सर आप अकेले में बातचीत में पूछिए तो वो लोग कहते हैं। अरविंद जी, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश में स्वयं एक गंभीर सवाल उठा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी गौरव वल्लभ या रोहन गुप्ता जैसे लोग जो पार्टी से निकल करके बाहर आए हैं, या बहुत सारे एक लंबा सिलसिला है वैसे लोगों का जो पार्टी के लिए बेहतर हो सकते थे, पार्टी उनका फायदा उठा सकते थे, जनाधार के नेता और बेहतर समझ के लोग थे, लेकिन वो पार्टी छोड़ के गए। कारण ये जो यशवंत कह रहे हैं कि एक ऐसी चौकड़ी है जो राहुल गांधी को घेरे हुए है, ना तो उसकी अपनी समझ ठीक है और ना नेक सलाह देती है, तो पार्टी के खराब हालत में लगातार चलते जाने का कारण यह भी है। अरविंद जी, नहीं, पार्टी के बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन राहुल गांधी की इमेज ये बनाना कि सलाहकार ही उनको चलाते हैं और सलाहकार बड़े खराब हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष की एक रणनीति है। 25 साल से वो आदमी विपक्ष में थोड़ी है भाई, मंत्री बनने का चांस, प्रधानमंत्री बनने का चांस, अगर वो चाहते इतने ना समझ होते तो प्रधानमंत्री बन गए होते, तो ये सब अवसर छोड़ के अगर वो आदमी काम कर किए जा रहा है पिट के हार के इसके बावजूद, बल्कि मैं मानता हूं कि पॉलिसी के लेवल पे उनकी समझ बढ़ी है, ज्यादा साफ हुई है। अब ये जरूर है कि उससे कांग्रेस से कंट्राडिक्शन निकल रहा है, पुराने कांग्रेसी सरकारों के पॉलिसी से और आज जो राहुल कह रहे हैं उसमें कंट्राडिक्शन कई चीजों में निकल रहा है, लेकिन इन सब के लिए जवाबदेह फिर किसी और तीसरे को बना दिया जाए और राहुल को बबुआ ही बनाए रखा जाए और पप्पू ही बनाए रखा जाए, ये एक स्थिति का। अब इससे ज्यादा 25 साल 30 साल से ज्यादा कमिटमेंट, मुझे नहीं लगता कि आप गौरव वल्लभ को उससे जोड़ और गौरव वल्लभ का सर्टिफिकेट राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के लिए, नहीं मैं तो कह रहा था लंबा सिलसिला है। अशोक देशमुख जैसा फॉर्मर पीएम महाराष्ट्र का या आरपीएन जैसा, आरपीएन जैसा नेता, जितिन प्रसाद जैसा नेता चले गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए, फिर वो छोड़ के कहां जा रहे हैं, अब उनका सर्टिफिकेट अगर आप, एक सवाल ये वाजिब सा है कि एक दो लोगों की एक टीम है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके पास एक बड़ा संगठन है, वो संगठन एक सांचे ढांचे में चल रहा है, उसमें इस तरह की भगदड़ नहीं है, बिखराव नहीं है, लेकिन हाँ तो कहीं ना कहीं कोई संकट तो है, उसी की पहचान तो करना जरूरी है। आलोक जी, आपको क्या लगता है? कहना चाहता था, देखिए अरविंद जी, बहुत सम्मान के साथ, आप भी जानते हैं मैं उन लोगों से मिलता रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी को मौका नहीं, उस समय भी सलाहकारों ने ही मरवाया, उन्होंने कहा कि नहीं आप मंत्री बनेंगे, आपके दस्तखत से आप घोटाले में फंस जाएंगे, आप सीधे प्रधानमंत्री बनिएगा बार बार, और इसीलिए उनको बीच में 2011-12 में लगभग वो तैयार थे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं इसलिए, लेकिन उस समय फिर मनमोहन सिंह ने क्या कहा, मैं उसको डायरेक्ट आपको नहीं कह सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि मनमोहन सिंह और उनकी टीम भी पैर अंगद के पैर की तरह जम गई कि इनको कैसे हटा देंगे आप, वरना मैं सारे घोटाले खोल दूंगा। असली बात यह है, मैं पर्सनली जानता हूं, मेरी खुद मनमोहन सिंह से उस समय बात हुई थी, वो नहीं वो अड़ने को तैयार थे, उन्होंने क्या धमकी दी थी सोनिया गांधी को, मैं जानता हूं। आलोक जी, ये मत कहिए कि वो नहीं बन सकते थे, वो बन सकते थे, नहीं बन सकते थे, लेकिन वो या तो बन के उस समय करते, लेकिन सलाहकार कहते अभी दस्तखत हो जाएगा, यदि आप कहीं अपना नाम नहीं लिखना चाहेंगे और कहेंगे मैं बेनाम लिखूंगा और जो चाहे दूसरा भुगतेगा, उस आधार पर वो सीधे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं आज भी, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई काम नहीं करना, खाली यात्रा करना, टूरिस्ट की तरह अपना ज्ञान बढ़ा लिया। मैं कह रहा हूं कि वो बहुत पढ़ लिखते आते हैं, वेद पढ़ लेते हैं, कुरान पढ़ लेते हैं, तो बड़ा शेक्सपियर पढ़ लेते होंगे, लेकिन जो राजनीति होती है उसमें आपको काम करना पड़ता है,
आप खाली मनमोहन सिंह का कागज फाड़ करके थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सियासत और सत्ता, इन दोनों में जो चीजें आपको सामने से दिखती हैं उसके पीछे बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। जो दिखता है वो एक टुकड़ा है, बहुत बड़ा हिस्सा उसके पीछे होता है। आलोक जी उसी की तरफ इशारा करते हैं।